चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि कोरोना का जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के संचालन पर बुरा असर पड़ रहा है। कम यात्री भार होने के चलते दोपहर 1 बजे तक की 13 फ्लाइट रद्द हुई है। रात 12:40 पर गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो गई है। सुबह 6:30 स्पाइस जेट उदयपुर की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 7:40 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 8:45 पर मुंबई जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 8:50 पर इंदौर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 9:05 पर कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 9:55 पर चेन्नई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 11:20 पर अहमदाबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द हुई है। दोपहर 12:25 पर चेन्नई के एयर एशिया की फ्लाइट रद्द हुई है। दोपहर 12:30 सिलीगुड़ी जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट रद्द हुई है। दोपहर 12:40 पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। दोपहर 1:20 पर हैदराबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द हुई है। ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको बता दें कि 13 फ्लाइट रद्द हो चुकी है कम यात्री भार की वजह से। दोपहर 1 बजे तक की 13 फ्लाइट रद्द हुई है। कोरोना का बुरा असर फ्लाइट्स के संचालन पर पड़ रहा है क्योंकि कोविड की वजह से यात्री भार कम हुआ है और उसकी वजह से फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित होता हुआ। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 10 फ्लाइट डेली रद्द हो रही है। कल के आंकड़े की बात करें तो कल भी 13 फ्लाइट रद्द हुई थी, परसों 19 फ्लाइट रद्द हुई थी। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, देखिए अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो लोग फ्लाइट का टिकट बुक कराने से पहले भी 4 बार सोचेंगे कि कराएं कि नहीं कराएं, पता चले एंड मोमेंट पर फ्लाइट रद्द हो जाए। ऐसी देखिए यही स्थिति बनी हुई है एयरपोर्ट पर यात्रियों के साथ और रोजाना करीब 13 से 15 फ्लाइट रद्द हो रही है। इससे 2 दिन पहले 19 फ्लाइट रद्द हुई थी जो एक बड़ा आंकड़ा था। आज भी दोपहर 1 बजे तक की 13 फ्लाइट है और शाम होते होते ये संख्या करीब 28 से 30 तक पहुंच जाएगी, यानी कि बड़ी संख्या में रोजाना फ्लाइट रद्द हो रही है। और फिलहाल एयरपोर्ट से जो फ्लाइट संचालन है वो 25 के आसपास ही रह गया है, तो काफी कम फ्लाइट संचालित हो रही है दिन भर में। और इस वजह से जो यात्री हैं अलग अलग शहरों को जाने वाले उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। आज भी सुबह की उदयपुर की फ्लाइट लगातार पिछले 7 दिन से रद्द हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिगो जाने वाली फ्लाइट जो रहती है दिल्ली की, इंडिगो की सुबह 7:40 पर जो जाती है वो लगातार 10 दिन से रद्द चल रही है। चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट है वो भी लगातार अनियमित चल रही है और पिछले 5-7 दिन से लगातार रद्द हो रही है। मुंबई की जो गो फर्स्ट की फ्लाइट जाती है GH389 ये भी बीच बीच में लगातार रद्द चल रही है। मुंबई की जो स्पाइस जेट की फ्लाइट है वो भी बीच बीच में रद्द हो रही है। कोलकाता की जो गो फर्स्ट की फ्लाइट है GH703 जो कि सुबह 9:05 पर जाती है ये करीब 12 दिन से नहीं चली है। और इसके अलावा अहमदाबाद जाने वाली जो फ्लाइट है गो फर्स्ट की जो सुबह 11:20 पर जाती है ये फ्लाइट भी लगातार रद्द चल रही है। तो ऐसी फ्लाइट्स के लगातार रद्द रहने की वजह से जो यात्री हैं जिन्होंने की पहले से बुकिंग की हुई है उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। हालांकि एयरलाइंस यात्रियों को पूरे पैसे रिफंड करने या बाद की डेट्स में यात्रा करने का विकल्प दे रही है, लेकिन निश्चित रूप से परेशानी बढ़ी है और कोरोना की वजह से ये सारी परेशानी जल्दी बढ़ रही है। बिल्कुल, भारी परेशानी का सामना आकाशराम यात्रियों को करना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।